जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्यू टू ए टेक्निकल इशू वी कुड नॉट स्ट्रीम लाइव। तो मेरा ख्याल है एक आध मिनट में हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज का जो सेशन है, इट्स अबाउट 2020 परफॉर्मेंस रिव्यू, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही और ओवरऑल हमारे फंड्स की क्या परफॉर्मेंस रही, एंड सेकेंडली आउटलुक फॉर 2021। तो बस विद इन 30 सेकेंड्स हम शुरू करते हैं। मेरे साथ सुलेमान अख्तर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, और मोहम्मद वसीम जो हेड ऑफ रिसर्च हैं, वो मौजूद हैं। और हम बस विद इन फ्यू सेकेंड्स ये सेशन शुरू करने वाले हैं। अपोलोजीज फॉर द इनकन्वीनियंस। जी सुलेमान, सुलेमान प्लीज, ओवर टू यू। जी जी सुलेमान, सलमान आप भाई स्टार्ट कर रहे हैं। माइक अपना। जी थैंक यू। अभी जो है CY20 खत्म हुआ है। इट हैज बीन अ वेरी चैलेंजिंग ईयर फॉर द वर्ल्ड इन जनरल एंड पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा ही था। उसकी वजह यह है कि साल शुरू हुआ तो हम IMF प्रोग्राम पे थे, मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव चल रही थी। देन फरवरी में कोविड का पहला केस आ गया, इंडस्ट्री पूरी बंद हो गई और लोगों की मूवमेंट भी हैम्पर हो गई। तो ये है कि आखिरी क्वार्टर के अंदर बिल्कुल जो है बिजनेस एक्टिविटी बिल्कुल बहुत स्लो डाउन हो गई और LSM जो है वो 24% नेगेटिव नंबर आया और उसने सर्विसेज सेक्टर को भी अफेक्ट किया। सर्विसेज सेक्टर डायरेक्टली भी अफेक्ट हुआ क्योंकि बहुत सारी पर्सनल सर्विसेज होती हैं जो जीरो पे चली गई। तो आफ्टर आई थिंक 1952 पहली दफ़ा ये हुआ कि GDP ग्रोथ हमारी जो है वो नेगेटिव आई। और थोड़ा सा नंबर जो अपोर्ट हुआ उससे भी मैं समझता हूँ पिछले साल का खराब होगा क्योंकि LSM हम जितना समझ रहे थे उससे ज़्यादा डिक्लाइन था। तो ये जो है मतलब इवेंट्स की वजह से जो है अगर मैं साल को देखता हूँ तो दो हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में साल को। तो फर्स्ट हाफ जो है वो काफ़ी मुश्किल था। उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि गवर्नमेंट का रिस्पांस जो है वो अच्छा है मॉनेटरी साइड पे फिस्कल साइड पे टू एड्रेस दिस अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन। वो माशाल्लाह से जो है गवर्नमेंट का रिस्पांस जो था वो बहुत अच्छा हुआ। स्टेट बैंक ने जो है क्विकली इंटरेस्ट रेट्स जो है 625 बिप से कम किए। उसके अलावा दे हैव शोन गुड रेगुलेटरी फोरबियरेंस, जैसे जो लोन्स हैं उनका उनकी रिपेमेंट को उन्होंने डेफर कर दिया। इसके अलावा नई लाइंस दे दी जिसमें कम इंटरेस्ट रेट्स पे के एम्प्लॉयज़ को बिजनेसेस रिटेन करें। इसी तरह बिजनेसेस को टर्फ के फॉर्म में एक फाइनेंसिंग के लिए भी लाइन दे दी। काफ़ी चीज़ें मतलब उन्होंने ईज कर दी, टारगेट्स ईज कर दिए। तो मॉनिटरी साइड पे आप समझ लेंगे जो टोटल उन्होंने जो चीज़ें की है आई थिंक 2-3 ट्रिलियन में जाएंगी हम सब कुछ मिला लेंगे। तो फिस्कल साइड पे भी गवर्नमेंट ने जो है वो एक पैकेज अनाउंस किया दैट वाज ओवर 1 ट्रिलियन रुपीज। उसमें कुछ चीज़ें पहले से थी स्केड्यूल्ड, उसको नेट भी करते हैं तो 500-600 बिलियन का जो है ये इम्पैक्ट आ जाएगा फिस्कल का भी। तो ये दोनों चीज़ें थी। थर्डली सिंस हम कमोडिटी इम्पोर्टर थे तो थोड़ी सी कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे हुई, उससे भी हमको जो है थोड़ी टेल विंड मिली। जैसे ऑयल है वो बहुत नीचे चला गया था और सिंस हम जो है ऑयल काफ़ी इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हमको फायदा होने लगा। और हम लोग का जो है दूसरा होता ये है कि जो है इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो हमें जो नेट इम्पैक्ट है वो इस क्लोज डाउन का हमारे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सही रहा था। एक और चीज़ ये हुई कि रिमिटेंसेस थी वहाँ पे भी अच्छा जंप आया अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो ये है कि इन सारी चीज़ों की वजह से जो हम सेकेंड हाफ में जहाँ इंटर हुए तो वहाँ पर चीज़ें इम्प्रूव मतलब होने लगी। फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स जो है वो चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव होने लग गई थी इंडस्ट्रियल साइड पे भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो चीज़ जो है वो कंटिन्यू करती गई। सिमिलरली स्टॉक मार्केट को भी हम देखते हैं कि उसने जो है वो मार्च में लो बनाया था 27,000 का, वहाँ से वो जो है उसने परफॉर्म शुरू करना शुरू कर दिया। फिर जुलाई से ऑनवर्ड्स देखते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर होती गई क्योंकि लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो है थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। मार्केट जो है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है तो इकोनॉमी से पहले चलता है, तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी नज़र आई और साल जो है वो उन्होंने मार्केट ने अच्छा मतलब ख़त्म किया। मेरे ख्याल है वो फॉर द ईयर हमारा KSE 100 जो है 6-7% ऊपर था। तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं। तो अब आगे जो है वो अब हम यहाँ से देखते हैं अगले साल को तो हमें ग्रीन शूट्स नज़र आने लगी हैं। मतलब हमें लगता है कि ये जो साल है ये बेहतर होगा पिछले साल से काफ़ी हद तक।
assuming के commodity prices के अंदर बहुत ज़्यादा कोई जो है ना increase नहीं आता, which I feel नहीं आएगा यहाँ से, तो पहले तो मैं इसमें फिर बात कर लूँगा GDP growth की. Last year हमने देखी GDP growth जो है वो हमारी negative थी, मैं समझता हूँ तकरीबन 1% के करीब जो है ये number negative बैठेगा जाके LSM की adjustment के बाद. बट ये साल जब शुरू हुआ था तो इनिशियली लोगों का ख्याल था कि जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 1% तक आ जाएगी, सिंस कोविड चल रहा है पता नहीं कब खुलेंगी चीज़ें. बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ा तो हम लोगों ने क्योंकि जो है चीज़ों को काफ़ी बेहतर हैंडल कर लिया था, और ये है कि कोविड पे भी थोड़ी प्रोग्रेस ये हुई है कि वैक्सीन आ रही हैं और होपफुली इस साल के अंदर जो है वो हमें अच्छी खासी वैक्सीन जो है वो मिल जाएंगी, जिस तरह ये जो फाइजर और एस्ट्राजेनिका और थर्डली मॉडर्ना की वैक्सीन है और दूसरी वैक्सीन रशिया की चाइना की, प्लस ये कि जॉनसन जॉनसन की पाइपलाइन में, तो मिला जुला के हमारा ख्याल है 8-10 बिलियन जो है वो डोजेज आराम से हो जाएंगी. तो साल के एंड तक 5 बिलियन लोग जो है वो उनकी वैक्सीनेशन हो जा सकती है थ्योरेटिकली, तो वो चीज़ भी है. प्लस ये है कि क्योंकि जो है वो जो मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है लोकल भी, तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो जैसे जैसे साल प्रोग्रेस किया तो उसके एस्टीमेट बेहतर होते गए. पहले ख्याल था कि 1%, फिर 2%, फिर 2-3% स्टेट बैंक ने का व्यू हो गया, लेकिन हम अब नंबर जो देख रहे हैं जो हमारे पास अभी तक आ गए हैं फर्स्ट क्वार्टर के और अभी दिसंबर तक के, तो हमें लग रहा है ये ग्रोथ 4% के करीब हो सकती है. इट कैन बी एनी वेयर बिटवीन 3.75 to 4.5, ऐसा हमें लग रहा है. उसकी बेसिस ये है कि हम अगर इंडिविजुअली सेक्टर्स को देखते हैं तो LSM की ग्रोथ 5 महीने में अराउंड 14% आई है, ठीक है. उसके अंदर हम देखते हैं तो अच्छा खासा ब्रॉड बेस्ड हमको जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है. गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है ये परसिस्ट करेगी. एक तो कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हो रहा है, बिजनेस एक्टिविटी भी आखिरी क्वार्टर में खुल जाएगी, फिर बेस इफेक्ट भी जो है ना वो प्ले इन करने लगेगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में LSM शायद -10% था, फोर्थ क्वार्टर में 24% नेगेटिव था. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर बेहतर होते जाएंगे. तो LSM की ग्रोथ लगभग हम मुझे लगता है कि डबल डिजिट में हमें इस साल मिल जाएगी, और ड्राइवर सारे उसमें आपको नजर आएंगे. सीमेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, ऑटोस की अच्छी लग रही है, फर्ट भी ठीक लग रहा है, एंड ऑयल मार्केटिंग को देखते हैं या सॉरी ऑयल रिफाइनरी की भी प्रोडक्शन लगता है बेहतर होगी. तो अक्रॉस द बोर्ड देखते हैं पेपर एंड बोर्ड या और दूसरे सेक्टर्स भी, तो ऐसा लगता है कि LSM आपको अच्छी ग्रोथ इस दफा देगा. इनिशियली जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि नेगेटिव होगी, शायद 2.5% नेगेटिव इनिशियली टारगेट था, तो वो वैसी नहीं होगी. मुझे लगता है कि डबल डिजिट में आपको नजर आएगी. थर्डली फिर सेकेंडली हम एग्रीकल्चर को देखते हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी माँ सिवाय कॉटन के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं. शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो टारगेट से काफ़ी बेहतर है, आई थिंक 10% टारगेट से भी ऊपर है. सिमिलरली राइस की प्रोडक्शन भी टारगेट से ऊपर है, और वीट भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है सोइंग हो रही है, तो ये भी जो है टारगेट से बेहतर हो सकती है. मेस की भी नंबर अच्छे आ रहे हैं. प्लस लाइव स्टॉक के अंदर पिछले साल जो है पोल्ट्री में थोड़ा सेटबैक हुआ था, तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट की खबरें हैं. तो आई बिलीव के एग्रीकल्चर भी अच्छा परफॉर्म करेगा. थर्डली फिर जो बड़ा सबसे सेक्टर है जिसकी कंट्रीब्यूशन 50% से भी ज़्यादा है, सर्विसेज, उसमें भी हमको जो है अच्छी अच्छी मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है. जैसे होलसेल एंड रिटेल सेक्टर है जो सबसे बड़ा सेक्टर है, इकोनॉमी का 18% शायद बन जाता है. तो अगर मैं उसको देखता हूँ तो उसके अंदर भी जो है आप उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो डिराइव्ड होती है कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर से और इम्पोर्ट से. तो क्योंकि एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस, LSM की परफॉर्मेंस और इम्पोर्ट्स भी बढ़ती नज़र आ रही हैं, तो उसका जो है ना आपको इम्पैक्ट वो होलसेल रिटेल में अच्छा नज़र आएगा. सेकेंडली जो दूसरा सेक्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, वो भी हमें जैसे ऑयल मार्केटिंग के नंबर से अंदाज़ा हो रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन से अंदाज़ा हो रहा है गाड़ियों की, कि वो नंबर भी अच्छा होगा. बैंकिंग एंड फाइनेंस का नंबर भी अच्छा होगा, सोशल सर्विसेज का नंबर भी अच्छा होगा. तो लगभग ऐसा लगता है कि 4% का माप कोई जो है ना बड़ी बात नहीं होगी जो अभी तक हमारा एस्टिमेट है उस हिसाब से. तो ये हो सकता है हम 4% को हिट कर लें, तो ये दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर जो नंबर थे. तो जीडीपी ग्रोथ पे मतलब जैसा टाइम गुजर रहा है तो वी आर गेटिंग कॉन्फिडेंट कि ये जो है बेहतर होती जाएगी, ठीक है. सेकेंडली फिर दूसरा जो हेड है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है फिस्कल अकाउंट का. तो फिस्कल अकाउंट में भी देखें, इनिशियली जब साल शुरू हुआ था तो ऐसा लगता था कि रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है ना FBR का 4.9 बिलियन का, वो मुश्किल है बहुत. इनिशियली हमारा ख्याल था 4.5 बिलियन गवर्नमेंट कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी. फिस्कल डेफिसिट भी हमें 8% ऑफ GDP से ऊपर नजर आ रहा था इसी वजह से.
लेकिन अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो नंबर थोड़े से रिवाइज हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं। अब हमें लगता है कि फिस्कल डेफिसिट कुछ 7.5 के लगभग हो सकता है। उसकी वजह यह है कि देखिए रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो बेहतर होती जा रही है। उसमें जो चीज समझने की है वो ये है कि जो हमारे मेजर रेवेन्यू स्पिनर्स हैं ना, वो एक तो LSM बहुत बड़ा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, और दूसरा इम्पोर्ट्स है, तीसरा एनर्जी है। इम्पोर्ट्स एंड एनर्जी फिर एक दूसरे को इंटरचेंजेबल भी देख सकते हैं। तो बेसिकली इन सब की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, जैसे जहाँ टैक्स जमा होता है जिन चीज़ों से, ऑटोस पे जमा हो सकता है, सीमेंट पे जमा होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ रहे हैं जाहिर सी बात है, तो उस पर भी अच्छी कलेक्शन होगी। तो अब मतलब ये सब चीज़ें मिला लेते हैं, फिर ये है कि इम्पोर्ट्स पे भी वॉल्यूम बेस या इंडस्ट्री में भी वॉल्यूम प्राइस बेस दोनों जगह पे ग्रोथ लग रही है। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि FBR का जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है उसके करीब ये चले जाएंगे। हमारा अब ये ख्याल है कि कहीं 4.7 ट्रिलियन तक कलेक्शन जो है वो FBR की हो सकती है, और मे बी अगर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आए तो 4.8 भी हो जाए। तो अब ये है कि टारगेट से हमें लगता है बहुत पीछे नहीं होंगे, ये तो रेवेन्यू साइड पे मतलब लगता है। प्लस ये है कि थोड़ी सी अपसाइड जो है वो बाकी GIDC वगैरह में भी अगर कलेक्शन आ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि सिंस सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में फैसला दे दिया है, तो वहाँ से भी कुछ कलेक्शन हो सकती है। बाकी ये है कि PTL का टारगेट के भी करीब है, मुझे लगता है वो भी अचीव हो जाएगा। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है ऑन टारगेट या टारगेट से बहुत ज़्यादा ख़राब की होगी। फिर हम तो दूसरी तरफ अगर देखते हैं एक्सपेंसेस की साइड पर, तो एक्सपेंसेस में जो इंक्रीज बहुत बड़ा एक हमें नज़र आया वो इंटरेस्ट में था इस साल। अगर उसके अलावा हम नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखते हैं तो वो फेयरली मतलब गवर्नमेंट ने कंट्रोल करके रखे हुए हैं। इस दफ़ा सैलरीज और पेंशन भी नहीं बढ़ाई हैं, डिफेंस भी अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी सी सब्सिडीज हैं जो शायद नहीं बुक की हैं, लेकिन अदर देन दैट ठीक लग रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स पे अभी भी हमें थोड़ा सा उम्मीद है कि जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ख़राब नंबर ना हो। उसकी वजह यह है कि इस साल जो है वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ज़्यादा कम हुए हैं, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा कम हुए हैं, तो उसका इफेक्ट जो है सेकेंड हाफ में नज़र आना चाहिए। प्लस फॉरन जो रिपेमेंट्स हैं उन पे भी शायद इंटरेस्ट पे भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, डेफर हो जाए, तो वहाँ से भी कुछ जगह इनको मिल सकती है। तो ये है कि एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ना हो, तो फिस्कल डेफिसिट आई फील के एज वी स्टैंड टुडे हमें लगता है कि 7.5 तक होगा, जो पहले लग रहा था इससे ज़्यादा होगा। थर्डली फिर जो चीज़ मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा वो एक्सटर्नल अकाउंट है, जो हमेशा हमारे लिए एक जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब हाई ग्रोथ होती है तो एक्सटर्नल अकाउंट हमारा जो है ना वो फट जाता है, और जो है वहाँ की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ जाते हैं, फिर हम जो है वो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की तरफ जाते हैं। तो अभी सो फार इस साइड पे भी जो है नंबर्स बिनाइन है। जैसे पहले 5 महीने के अंदर जो है करंट अकाउंट हमारा जो है वो सरप्लस आया है $1.64 बिलियन का, और आप समझ लें लास्ट ईयर अगर हम ये नंबर देखते हैं तो फुल ईयर तो 3 बिलियन का करीब करीब डेफिसिट था, और मेरे ख्याल इसी पीरियड में इसके करीब करीब ही डेफिसिट था, तो आज उतना ही सरप्लस है। उसको अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसमें 2-3 रीजंस हैं। एक अगर हम रीजन देखते हैं बड़ा, वो ये है कि सर्विसेज की इंपोर्ट्स में हमको जो है काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि सर्विसेज की इंपोर्ट्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं हो रहा, और इसके अलावा दूसरी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी हमारी इस दफ़ा इतनी नहीं हुई हैं, और ट्रांसपोर्ट में भी हमें सेविंग हुई है। तो एक तो वहाँ से हमें अच्छी बचत है, जब तक मतलब है कि चीज़ें थोड़ी सी खुलती नहीं है, ट्रैवल नहीं होता है, तो वहाँ वहाँ मतलब नंबर बेहतर होंगे। सेकेंडली जो दूसरा हेड है हमारे पास वो है आपका रेमिटेंसेस का, जो बड़ा मेजर है। वहाँ सरप्राइज आया है, रेमिटेंसेस की ग्रोथ बहुत हाई आई है। ये 6 महीने में रेमिटेंसेस जो हैं वो $14 बिलियन हो गई हैं। तो ये जो है यहाँ पर इनिशियली लोगों का ख्याल था कि क्योंकि मिडल ईस्ट में भी थोड़ा स्लो डाउन है, दूसरी जगह भी है, तो वो नंबर इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन वो सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी ग्रोथ है। और वो सिर्फ पाकिस्तान के केस में नहीं है, हम दूसरे मुल्क भी देखते हैं, बांग्लादेश, केन्या, तो ये एक अक्रॉस द बोर्ड जो है ना इम्प्रूवमेंट है रेमिटेंसेस के अंदर जो आपको नज़र आ रही है। तो बेसिकली अगर हम उसको देखते हैं उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, तो देखें 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि इनफॉर्मल चैनल से जो पैसे आते थे वो बंद हैं, क्योंकि ट्रैवल नहीं हो रहा है, तो जो है जो मतलब है पैसे सारे के सारे फॉर्मल चैनल से आ रहे हैं, एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि कुछ इसमें जो है हो सकता है मिडल ईस्ट से परमानेंट लोग आ रहे हों तो सेविंग्स ला रहे हों, वो हो सकती है। थर्डली ये स्टेट बैंक ने कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं। फोर्थली ये है कि लोग शायद पैसे घरों पर ज़्यादा भेज रहे हैं, तो ये नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो इनकी वजह से आपका जो है करेंट अकाउंट वो जो है काफ़ी फेवरेबल हो गया है,
और यही चीज आपको जो है ना, फिर अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल अकाउंट देखते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट ने कुछ अपने डेट भी पे कर दिए हैं इस करंट अकाउंट से फायदा उठाते हुए, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो न्यूट्रल के करीब है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता ये है कि थोड़ा सा करंट अकाउंट सेकेंड हाफ में डिटीरोट कर सकता है, उसकी बजाय रिमिटेंसेस टेपर ऑफ कर सकती हैं, इम्पोर्ट्स इंक्रीज हो सकती हैं क्योंकि लोकल डिमांड बेहतर हो रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड बेहतर हो रही है, और इसके अलावा थोड़ा सा कमोडिटीज जो है वो थोड़ा क्या काफी, बल्कि हाफ में मुझे लगता है कि $3 बिलियन का डेफिसिट में भी आ जाए फुल ईयर, लेकिन मुझे लगता है अभी भी हम 1% ऑफ GDP के कम होंगे फुल ईयर, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मे बी $1.5 से $2 बिलियन के दरमियान हो। बट फाइनेंशियल अकाउंट में हमें ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में अच्छी जो है ना हमको इनफ्लोज नजर आएंगे, उसमें यूरो बॉन्ड भी हो सकता है, रोशन डिजिटल में भी पैसे आ सकते हैं और मल्टीलैटरल भी है। सेकेंडली थोड़ा हमें जो प्रिंसिपल्स में भी रीपेमेंट में भी डेफरल अभी मिल गया है, तो मुझे खैर लगता है वो थोड़ा एक्सटेंड भी कर जाएगा, तो वो रीपेमेंट भी इतनी नहीं होंगी, तो ओवरऑल जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन मुझे लगता है बेहतर होगी, और हो सकता है कि जो है ना $2-4 बिलियन से हमारे रिजर्व्स बढ़ी जाए साल होने तक, इतना सरप्लस हो जाएगा ये हमारे जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इस साल। बाकी फिर इन्फ्लेशन पे वसीम आप थोड़ा सा बता दें। जी थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे बात कर लेते हैं। साल जब स्टार्ट हुआ जनवरी 2020 के अंदर इन्फ्लेशन जो है उसने पीक किया था, तकरीबन 14.6% रहा, और जैसे कि सुलेमान साहब ने भी बताया कि फरवरी के अंदर फिर कोविड का पहला केस हुआ और उसके बाद से फिर ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी शार्पली नीचे आई, तो वहाँ से इन्फ्लेशन गिरना शुरू हुआ और एवरेज जो साल 2020 का रहा इन्फ्लेशन फिस्कल ईयर का वो तकरीबन 10.7% रहा, और फिर वहाँ से ऑनवर्ड्स जून के अंदर से वापस से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई और फूड प्राइसेस में भी एक स्पाइक देखने में आया जो कि काफ़ी बड़ा स्पाइक था और काफ़ी टाइम के लिए रहा भी। तो ओवरऑल फूड का जो वेट है वो इन्फ्लेशन के अंदर तकरीबन 35% के लगभग है, और उसने जो है सीपीआई बास्केट के अंदर और उसकी जो इन्फ्लेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन रही वो तकरीबन 70% के करीब रही साल 2020 के अंदर कैलेंडर ईयर के अंदर। तो इसको जब हम एनालाइज लेवल पे देखते हैं और अभी हमें जो जनवरी का नंबर जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 6% या इससे भी थोड़ा सा कम हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन का नंबर आ सकता है जनवरी के अंदर, जो है हाउस रेंट भी इंक्लूड होगा, लेकिन उसके बावजूद हाई बेस इफेक्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिवली प्ले कर जाएगा। और यहाँ से ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं जनवरी ऑनवर्ड्स तो हमें इन्फ्लेशन के अंदर एक स्पाइक नज़र आ रहा है, हमें लग रहा है कि लास्ट क्वार्टर जो फिस्कल ईयर 2021 का होगा अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन आ सकती है, और वहाँ से ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन के अंदर एक डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी सेल्स टैक्स वाली साइड पे कुछ इंक्रीज़ हो सकते हैं, सैलरीज वगैरह के ऊपर भी टैक्स वगैरह गवर्नमेंट बढ़ाने की बात कर रही है, सारी चीज़ें जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसी तरह से एनर्जी प्राइसेस के ऊपर भी बात चल रही है कि पावर टैरिफ हाइक जो है वो करने की बात कर रहे हैं कि 3.3 रुपीज़ से बेस टैरिफ के अंदर एडजस्टमेंट की जाए, अगर हम खैर इतनी एडजस्टमेंट तो हम नहीं अज्यूम कर रहे, शायद इससे कम एडजस्टमेंट होगी, उन सारी अजम्पशंस को जब हम अपने एस्टिमेट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा ओवरऑल जो साल 2021 का एवरेज बनता है वो तकरीबन 8.7% बनता है, और नेक्स्ट ईयर 2022 का एवरेज इन्फ्लेशन हमें लग रहा है कि वो 7.5% के लगभग होगा। और इसी चीज़ को जब हम इंटरेस्ट रेट्स के आउटलुक के साथ देखते हैं तो रियल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पॉजिटिव जो है वो होने चाहिए कुछ अर्से के बाद से, जब हम कोविड से निकल जाएंगे मेरे ख्याल से स्टेट बैंक जो है वो अपना स्टांस चेंज करेगा, जो कि अभी फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर 0% रियल इंटरेस्ट रेट्स लेके चल रहा था वो स्टांस चेंज हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर हमें लग रहा है कि शायद 1.5 से 2% जैसा रेट हाइक हो सकता है ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 2021। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं प्लीज। जी थोड़ा सा हम अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जिसमें हम अर्निंग यील्ड और 10 ईयर PIB के डिफरेंस को देखते हैं, इसको हम फेड मॉडल भी कहते हैं।
हिस्टोरिकली जो ये डिफरेंस रहा है अर्निंग जील और 10 ईयर पीआईबी का, अगर मैं देखता हूँ 2006 से लेके अभी तक का, तो ये तकरीबन आपको रेड लाइन जो नज़र आ रही है ये एवरेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये एवरेज जो स्प्रेड रहा है ये तकरीबन 1% के लगभग रहा है। अभी ये स्प्रेड तकरीबन 3.5% के आसपास जो है वो चल रहा है। अगर ये स्प्रेड एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, और अगर ये स्प्रेड एवरेज से नीचे है तो इसका मतलब है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो 1% अगर एवरेज स्प्रेड है और करंटली 3.5% का स्प्रेड है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि री रेटिंग की गुंजाइश अभी है मार्केट के अंदर। तो हमारे ख्याल से शायद अगर मैं इसको 2021 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, फुल ईयर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो हमारे ख्याल से 15-20% जैसा मार्केट का रिटर्न जो है वो कंफर्टेबली होना चाहिए साल 2021 के लिए। इसके बाद हम थोड़ी सी अपने फंड्स की जो है वो परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। जो हमारा शरिया स्टॉक फंड है, ये काइंडली आप नेक्स्ट स्लाइड पाएंगे, सॉरी, ये हमारे जो हैं मनी मार्केट फंड्स, और पिछली साइड पे आ गए प्लीज जी वसीम आ गए। हमारे मनी मार्केट फंड्स और एसेट एलोकेशन फंड्स की परफॉर्मेंस है, इसमें अगर हम साल 2020 को हम रिव्यू करते हैं तो अगेंस्ट द बेंचमार्क अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट ऑफ द फंड्स जो हैं इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। मनी मार्केट के अंदर हमारे दो बड़े फंड्स हैं, कन्वेंशनल में यूएलपीएफ है, यूबीएल लिक्विडिटी प्लस फंड, और इस्लामिक में अलमीन इस्लामिक कैश फंड। तो इन्होंने सिग्निफिकेंटली जो है बेंचमार्क को जो है वो आउट परफॉर्म किया। इसी तरह से जो इनकम फंड्स है, जिसमें यूबीएल इनकम अपॉर्चुनिटी, यूबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अलमीन इस्लामिक सॉवरन फंड्स हैं, इनके रिटर्न भी बेंचमार्क से ऊपर रहे हैं। और एसेट एलोकेशन जो कि हमारा इंडस्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंट फंड है, इंडस्ट्री का एसेट एलोकेशन नॉर्मली 100% इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं, और हमारे एसेट एलोकेशन पे क्योंकि रिस्क लिमिट हमने रख के और उसको प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, अप टू 40% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इनके रिटर्न्स भी हमारे काफ़ी बेहतर हैं। 11% हमारा एसेट एलोकेशन कन्वेंशनल का और तकरीबन 9.7% इस्लामिक एसेट एलोकेशन का रिटर्न रहा। जी ये हमारे इस्लामिक इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस है। अलमीन शरिया स्टॉक फंड जो है उसका रिटर्न तकरीबन 14.4% के लगभग रहा, जो कि हाईएस्ट रिटर्न दी है अपनी अगर हम पूरी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं। तो KMI 30 को हमने तकरीबन 7.8% तक, KMI 30 का हमने तकरीबन 7% जैसे आउट परफॉर्म किया है ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को, और सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है अपने पीएस को। जी इसी तरह से अगर हम अपने कन्वेंशनल फंड्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, तो कन्वेंशनल फंड्स का रिटर्न तकरीबन यूबिल स्टॉक एडवांटेज फंड का रिटर्न 9% रहा है। KSE 100 इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 1.6% जैसी आउट परफॉर्मेंस है, और ये भी टॉप 5 फंड्स के अंदर इसकी परफॉर्मेंस रही साल 2020 के अंदर। जी इसी तरह से अगर हम अपने VPS फंड्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें VPS में भी इक्विटी सब फंड्स टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो इस्लामिक साइड पे हमारी जो परफॉर्मेंस रही वो काफ़ी बेहतर रही। 15.3% का रिटर्न रहा हमारा अलमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड्स का, जो कि नंबर 2 रैंक कर रहा है अपने कंपेरिजन के अंदर, बाकी अगर मैं पीयर ग्रुप के साथ इसको कंपेयर करता हूँ। तो इसी तरह से अगर हम कन्वेंशनल VPS इक्विटी सब फंड की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी टॉप 3 फंड्स के अंदर रहा है, इसका रिटर्न तकरीबन 10.7% जैसा साल 2020 के अंदर रहा है। जी मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तनवीर फेसबुक जी 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 अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं सुलेमान से। पहला क्वेश्चन तो ये है सुलेमान के, एक रिसेंटली एक आर्टिकल डॉन में पब्लिश हुआ था और उसमें खुर्रम हुसैन राइटर थे, और उन्होंने एक एक खदशे की तरफ निशानदेही की थी कि उनका ख्याल ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अंडर इनवॉइस हो रही हैं, और हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं क्योंकि इस टाइम रियल एस्टेट पे काफ़ी इंसेंटिव पैकेज मिल रहा है, सो वो पेमेंट्स जो हैं वो रिमिटेंस की शक्ल में वापस आ रही हैं और फिर ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रही हैं। तो इस पे थोड़ा आप अपना व्यू देंगे कि इसका क्या ये शॉर्ट टर्म बबल है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि एक लिहाज से इनफ्लोज तो आ रहे हैं, जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है उसमें ये फैक्टर तो बिल्ट इन हो रहा है, बट ओवरऑल इसको लॉन्ग टर्म में आप क्या देखें? नहीं आई थिंक हरल, मैं थोड़ा सा इससे शायद एग्री ना करूं। देखें
इसकी वजह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दूसरे मुल्कों में भी क्यों ऐसा हो रहा है? बांग्लादेश में भी क्या ऐसी है? मेरा सवाल यह है, या कीनिया में भी ऐसी है? देखिए, ये परफॉर्मेंस तो अक्रॉस द बोर्ड है, जो रेमिटेंसेस ग्रोथ है वो आपको दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी नजर आ रही है। तो क्या वहां पे भी लोग यही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को पहले अंडर इनवॉइस कर रहे थे फिर ये लेके आ रहे हैं? तो जब मैं भी ऐसी सोचता, लेकिन जब मैंने नंबर बांग्लादेश के देखे और दूसरे मुल्कों के देखे तो वहां पे भी रेमिटेंसेस में इसी तरह का ट्रेंड है। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि शायद ये चीज ना हो, आई थिंक। और ये इसलिए आसान नहीं है कि बाहर भी अब रेगुलेशंस सख्त हो गई हैं, पैसा इस तरह से वाइट करना या लॉन्डर करना या कोई और चीजें आसान नहीं है, मुश्किल होता जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये देखें, ये बेसिकली इनफॉर्मल चैनल से जो जहाजों में पैसा आता था ना, लोग सूटकेस भर के ले आते थे, छुपा के ले आते थे, एक बड़ा इसमें जो है ना यही है, हुंडी है डेफिनेटली इसके अलावा। तो ये सारी चीजें बंद हो गई हैं, फ्लाइटें नहीं है, तो एक बड़ा ये है। सेकेंडली, आई बिलीव के थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है इसके अलावा कि परमानेंट लोग थोड़ा मूव कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी सेविंग्स की हैं। थर्डली, स्टेट बैंक ने इंसेंटिव स्ट्रक्चर बेहतर किया है, वो भी हो सकता है। फिर कुछ लोग बाहर से पैसे जो है वो अपनी फैमिलीज को ज्यादा भेज रहे होंगे, ये भी पॉसिबल है। देखें, ये अक्रॉस द बोर्ड है। फिर ये मिडल ईस्ट से भी आपको नजर आ रहा है, तो मिडल ईस्ट में कौन सी हम जो है वो कपड़े भेज रहे हैं या क्या कर रहे हैं? तो मतलब मेरी फीलिंग ये है कि चले ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम अगर थोड़ा सा ब्रॉड एनालिसिस करें और दूसरे मुल्कों की रेमिटेंसेस की को ट्रेंड को देखें, तो हमें कंक्लूजन यही होगी कि ये अंडर इनवॉइस होके जो है ना, ये एक्सपोर्ट वाली चीज शायद इस दफा नहीं होगी, हिस्टोरिकली मे बी। अच्छा, थोड़ा सा ये भी देखा गया है कि सऊदी अरेबिया, हमारे गल्फ में स्पेशली सऊदी अरेबिया में थोड़ी ऑयल प्राइस बेहतर हुई है, तो एटलीस्ट जो वीज़ाज जिन लोगों को इशू हुए थे उनको दोबारा से उन्होंने जॉब्स के लिए इनवाइट करना शुरू कर दिया, तो ये भी आगे गोइंग फॉरवर्ड मेरा ख्याल इम्प्रूव करेगी। अच्छा, एक सेकेंड क्वेश्चन ये मेरा था कि वसीम, ये आपने एक हाईलाइट किया कि आप देख रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में इन्फ्लेशन को आप राइजिंग ट्रेंड पे देख रहे हैं, तो इसकी बेसिक वजह क्या है? यानी अप्रैल टू जून 21, ये सामने अगर आप स्लाइड देख रहे हो तो आपने कहा था कि डबल डिजिट में देखें, जो हाई बेस लास्ट ईयर इन्फ्लेशन जनवरी में पीक किया था और उसके बाद से इस साल आप देख रहे होंगे जनवरी में बॉटम कर रहा है 5.8% के ऊपर, तो ये प्राइमरीली जो हाई बेस का इफेक्ट था वो जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है वो उस इफेक्ट को अगर हम हटा देते हैं तो उसकी वजह से हमें लगता है कि आखिरी क्वार्टर जो है वो डबल डिजिट के अंदर आ सकती है इन्फ्लेशन। ओके, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आया है, वो बेसिकली रिलेटेड है इंडेक्स से। एक जनरल सवाल है कि इंडेक्स को कहाँ देख रहे हैं एंड ऑफ 2021, इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? पहले भी मैं इस पे कमेंट कर चुका हूँ कि ओवरऑल साल का रिटर्न जो है वो 15-20% कंफर्टेबली होना हो सकता है, कीपिंग इन माइंड के मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स अगर हम देखते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन को भी देखें वो अगले साल कम होता हुआ नजर आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ प्राइमरीली इनिशियल एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा हमें लग रही है, 2.1% का गवर्नमेंट का टारगेट था और देन वो रिवाइज किया 2-3%, स्टेट बैंक कह रहा है हमारे ख्याल से वो 4% जैसा आ जाएगा। इसी तरह से फिजिकल साइड पे भी हम देखते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो नंबर्स बेहतर होते हुए हमें लग रहे हैं, 7.5% जैसा फिजिकल डेफिसिट, और इसी तरह से करंट अकाउंट अगर हम देखें तो वो भी काफ़ी कंटेन रहेगा, less than 1% ऑफ GDP, $1.5-2 billion की रेंज के अंदर करंट अकाउंट रहेगा। तो मैक्रो नंबर्स बेहतर हैं तो ये टारगेट हमारा वैसे बड़ा कंजर्वेटिव लग रहा है, 15-20% इसको शायद ओवरशूट भी कर सकते हैं, तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये इंडेक्स को जो है परफॉर्म करना चाहिए। और प्राइमरीली मैं एक और क्वेश्चन भी देख रहा था कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें जी हमारा मुझे लगता है कि बैंक्स को परफॉर्म करना चाहिए, इनकी डिविडेंड यील्ड्स काफ़ी अच्छी हैं, इनके इन्होंने लास्ट 3 quarters के अंदर डिविडेंड एक तो एक साथ आएगा बड़े बैंक्स का, और अगर मैं यहाँ से 12 महीने के व्यू पे देखूँ तो अच्छे डिविडेंड्स जो हैं वो बैंक्स दे सकते हैं, और इनकी अर्निंग्स भी ये साल काफ़ी बेहतर रहा और अगला साल भी जो है बड़े बैंक्स का वो रिलेटिवली बेहतर रहेगा अगर हम अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसी तरह से अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूँ तो फर्टिलाइजर जो है वो आउट परफॉर्म कर सकता है इंडेक्स को, उसमें प्राइमरीली
आप कह सकते हैं कि जी एक तो कैश फ्लो ओवरऑल सेक्टर के काफ़ी बेहतर हैं, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, और नंबर टू बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिया प्राइसेस को जब हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली यूरिया प्राइसेस के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा अपटिक देखने में देखा जा सकता है, और वो हम अपने बेस केस के अंदर हम अब जो है प्राइस हाइक यूरिया का वो हम ले भी नहीं रहे, तो उसके बावजूद हमें लग रहा है कि अर्निंग्स काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। इसी तरह से जो है ENPs की अगर मैं बात करूं तो ENPs में आपने देखा होगा कि ऑयल जो है वो अभी तकरीबन 55 ब्रांड जो है 55 क्रॉस कर चुका है, और ऑयल प्राइसेस अगर मैं इसको एम्प्लॉयड ऑयल प्राइसेस के ऊपर ENPs को अगर हम इवेल्यूएट करें तो ये तकरीबन 25 से 30 डॉलर की रेंज के अंदर जो है ये ओवरऑल चल रहे हैं, और बड़े जो दोनों प्लेयर्स हैं OGDC एंड PPL इनके सिग्निफिकेंट जो है वो कैश फ्लोस वो स्टक हुए हैं सर्कुलर डेट के अंदर, और अगर हम IMF प्रोग्राम में जाते हैं और सर्कुलर डेट के ऊपर कोई रेजोल्यूशन होती है तो इन कंपनीज के कैश फ्लोज काफ़ी बेहतर हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी री रेटिंग हो सकती है। और इसी तरह से टेक्सटाइल के ऊपर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली उसने परफॉर्म भी किया है, तो आपको नंबर्स में भी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी बेहतर नज़र आ रहे हैं, और गवर्नमेंट कोई पैकेज भी अनाउंस करने जा रही है, तो ये सेक्टर्स प्राइमरीली हमें अच्छे लग रहे हैं जिनको जो शायद जो है इस साल जो है इंडेक्स को ड्राइव करेंगे। मेन बोर्ड के अंदर आप कह सकते हैं कि काफ़ी जगह है अभी भी जो तो एक किस्म का ब्रॉड बेस्ड सॉर्ट ऑफ मार्केट की परफॉर्मेंस होगी, कुछ ये नहीं है कि सिर्फ एक या हरल या मैं भाई थोड़ा अपने तो आई वुड लाइक टू ऐड माय टू सेंट्स यहां, तो मैं जो एक चीज और मैं चाह रहा हूं कि लोगों को थोड़ा ज़हन में रखें कि ये जो हमें आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज लगता है जैसे 150-200, तो लोग मतलब है कि जो रेट साइकिल है ना ये पुराने जमाने की तरह का रेट साइकिल नहीं लग रहा है कि 500 पिप से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या 600 पिप से बढ़ जाए, ऐसा लगता नहीं है। ये छोटा सा मतलब रेट साइकिल होगा, उसकी वजह ये है कि देखें जो है ना ग्लोबली भी दो चीजें हैं, एक तो ये है कि ग्लोबली भी गवर्नमेंट्स के डेट्स इतने बढ़ गए हैं कि वो हायर इंटरेस्ट रेट अफोर्ड नहीं कर सकते। डेट टू GDP रेशियो जब हम इस क्राइसिस से निकलेंगे ना तो वो 125% तक हो जाएगा कई जगह पे, तो वो जो है फाइनेंशियल रिप्रेशन की जो एक एनवायरनमेंट है ना ग्लोबली आपको मिलेगी, तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो बहुत ज्यादा शायद ना बढ़े आपको, मतलब 9% शुड बी एज हाई एज ग्रोथ। अगर तो उस सिनारियों में अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट की रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस जो है वो रहती है, क्योंकि हमारी अर्निंग्स यील्ड अभी भी जो है वो 13-14% है, अगर इंटरेस्ट रेट 9% भी हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म यील्ड 11 भी हो जाती है तो डिफरेंशियल है। सेकेंडली अर्निंग्स ग्रोथ हमें जो है काफी बेहतर लग रही है, और अगर हम दूसरे एंगल से डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी देखते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको मनी मार्केट से बेहतर रिटर्न मतलब देंगे, कोई और एवेन्यू मतलब आपको नजर नहीं आता अगर मैं कंपेयर करके देखता हूँ, तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि क्वालिटी डिविडेंड हर एक के लिए एक चीज है जो चाहे क्वालिटी डिविडेंड स्टॉक्स अगर बोल लेना चाहे ग्रोथ लेना चाहे, और ये है कि जो अल्टरनेट है फिक्स इनकम उसमें ये मुश्किल लगता है कि आपको 14-13% या 12% का कोई रिटर्न कहीं से मिले, मेरा ख्याल में 9% पे इंटरेस्ट रेट जो है ना वो पीक कर जाएंगे मैक्सिमम, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी। और ये सुलेमान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जनरली हमने फिनोमेना यही देखा था कि जब स्पेशली 2018 में और जब हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी प्रिकेरियस सिचुएशन पे थे, तो उस वक्त ये ऑब्वियसली स्टेट बैंक के गवर्नर आए और उन्होंने IMF फार्मूला यही लगाया कि स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को जैकअप कर दें, उससे ग्रोथ बिल्कुल ही हरल देखें आपको मल्टीपल फिर इंडिकेटर्स देखने होंगे ना, आपको देखना पड़ेगा, देखें उस वक्त आपका करंट अकाउंट भी फट गया था ना, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त आपकी एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशन जो है काफी बेहतर है उस वक्त से, तो जो एक ड्राइवर होता है वो यही होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कि यार हम जो है वो एग्रीगेट डिमांड को जो है ना किसी तरह कर्व करें, तो अभी एग्रीगेट डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है अगर हम देखते हैं, और इकोनॉमी इस वक्त अपनी पोटेंशियल से थोड़ा नीचे ही काम कर रही है, अगर मैं देखूंगा ना आउटपुट गैप तो शायद इकोनॉमी में जो है जगह है अभी हीट अप नहीं होगी मुख्तलिफ सेक्टर्स में। लेकिन सुलेमान मैं जैसे अभी ये वीट क्रॉप की सपोर्ट प्राइस भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, और शुगर केन भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन क्योंकि मेरा भी कुछ मैंने भी शुगर केन सेल किया है तो एवरेज प्राइस हमें 290 से 300 के दरमियान मिली है, तो ये जब पैसा रियल इकोनॉमी में जब ये कंजम्पशन में आएगा तो इससे मेरे ख्याल एग्रीगेट डिमांड इम्प्रूव होनी चाहिए। नहीं डेफिनेटली वो होगी, लेकिन देखिये वो आज हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है अभी अगर हम देखते हैं तो हमारा एक करंट अकाउंट इंडिकेटर है ना एग्रीगेट डिमांड का, अगर मैं एक्सटर्नल साइड पे देख रहा हूँ अगर करंट अकाउंट आपका जो है अभी तक सरप्लस में है तो इसका मतलब यही है कि एग्रीगेट डिमांड में मिला लूँ डोमेस्टिक डिमांड, इसके दो कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन,
थोड़ी मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ आपसे, तो जी, ये दोनों अगर मैं मिला लेता हूँ तो डोमेस्टिक डिमांड जो है इस वक्त वो डोमेस्टिक सप्लाई से ज्यादा नहीं है। करंट अकाउंट अगर सरप्लस है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि देखिए दो कंपोनेंट होते हैं ना डोमेस्टिक डिमांड के, इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कंजम्पशन। मैं गवर्नमेंट मिला रहा हूँ दोनों में, गवर्नमेंट के भी दोनों ही होंगे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो वो सी प्लस आई जो है वो मिलाकर अगर जो है ज्यादा हो जाता है सप्लाई से तो आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चले जाता है। ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी ऐसे मसले नहीं है। और अगर थोड़ी डिमांड आगे बढ़ भी जाती है, करंट अकाउंट अगर हमारा डेफिसिट जो है वो 1% या 1.5% ऑफ जीडीपी होता है तो दैट इज सस्टेनेबल। जरूरी यह है कि हमारी जो डोमेस्टिक ग्रोथ इस दफा आए वो बैलेंस्ड हो, वो सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर्स पे नहीं हो, एक्सपोर्ट्स को ड्यू जो है ना आप इम्पोर्टेंस दें। अगर एक्सपोर्ट्स को आप ग्रो कर लेते हैं अच्छा, जैसे अगर नंबर हमारा 1-2 साल में सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स का और गुड्स की एक्सपोर्ट्स का हम बढ़ा सकें $30-35 बिलियन तक, तो ये चीज एड्रेस हो सकती है। पिछली दफा गड़बड़ यही हुई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में कि सारा फोकस डोमेस्टिक डिमांड पे ही था। इफ दैट डज नॉट हैपन दिस टाइम तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 200 बिप्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है अगर हम फिस्कल साइड पर रिफॉर्म्स कर लेते हैं सही और इकोनॉमी का जो डायरेक्शन है ग्रोथ का उसको बैलेंस लेके चलते हैं कि जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स डोमेस्टिक डिमांड दोनों को बैलेंस करते हैं, कोई वजह नहीं है। मुझे लगता है कि फिर हमारा बुलिश स्टांस जो है वो कंटिन्यू करेगा। सही। अच्छा एक सवाल और आया है, वो ये है कि अभी मोदी ने भी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसकी 1.5% की ग्रोथ फोकस्ट किया, तो क्या जबकि हमारे आपका व्यू ये है कि 4% तक हम तकरीबन 3.75 एंड अबव हम मेरा ख्याल है मोदी मेरा पर्सनल ख्याल है दे आर बिहाइंड द कर्व। जी मेरा मुझे लग रहा है कि वो नंबर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, उनका जो एनालिसिस है वो थोड़ा पुराने नंबरों पे। मेरा ख्याल है जब वो नंबर्स इनकॉर्पोरेट करेंगे करंट तो मैं समझता हूं कि जो है ना ये नंबर इंप्रूव होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। मतलब मेरी अपना असेसमेंट तो यही कह रहा है कि नंबर इम्प्रूव होगा। स्टेट बैंक ने भी 2-3 बोला है लेकिन आई हैव अ फीलिंग इट कैन गो क्लोज टू 4, मतलब 4.5 से 4.5 कहीं। ये आपको इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, देखें हम ऑन ग्राउंड बात कर रहे हैं ना, हमारे पास नंबर थोड़े बहुत आ गए हैं, हमारे पास क्रॉप्स के नंबर आ गए हैं प्रीलिमिनरी, वीट का हमें अंदाजा हो रहा है, प्लस ये कि हमें LSM का नंबर हमारे सामने है और आगे हमारी बेस हमें फायदा देगी। देखें बड़ी बात ये है कि पिछले साल आखिरी क्वार्टर में तो 24% डिक्लाइन था, तो इस साल अगर स्टडी भी रहते हैं तो बहुत हाई ग्रोथ होगी, होलसेल रिटेल की ड्राइव ग्रोथ होती है। तो मेरा ख्याल है हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, अनलेस के कोई ऐसी चीज हो जाए आगे जो हमने सोची ना हो, ऑयल $70-80 हो जाए तो मैंने तो नहीं वो डाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोग जो है कॉन्फिडेंट है, हमारे नंबर इंशाल्लाह सही बैठेंगे और मुझे ख्याल में लोकल कोई और भी मतलब जो देख रहा होगा उसके नंबर भी अपसाइड रादर जाएंगे डाउन साइड के, और मोदीज और सब एजेंसीज हैं इनके नंबर भी आप इवेंचुअली बढ़ जाएंगे क्योंकि शायद नंबर्स जो हैं वो करंट नहीं होते तो आप जो है हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा। सुलेमान हमारी मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली क्योंकि ये मोदीज और IMF की फोकस को देख रहे होते हैं तो मेरा ख्याल था कि अगर ये नंबर इम्प्रूव हो जाए क्योंकि करेंसी रिस्क तो अब थोड़ा सा सबड्यूड हो गया है काफी हद तक, तो जो एक मेजर कंसर्न होती है उनकी, तो हम इस साल देख सकते हैं इनफ्लोस। देखें इसमें हर हाल देखें बात ये है कि अगर हम देखते हैं तो 5 साल में पाकिस्तान में नेट जो है $2.3 बिलियन का आउटफ्लो ही हुआ है, तो गोरा तो यहाँ से निकला ही है। अब ये है कि देखिये पिछला जो थीम था वो ये था सारी दुनिया से पैसे US की तरफ जा रहे थे, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा रिवर्स आपको होता हुआ नजर आएगा क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडिया में दूसरी जगहों में बेहतर लग रहे हैं, US में इतने बेहतर नहीं लग रहे हैं, वो आपको मार्केट्स को बेहतर पोजीशन बिल्कुल वो इनफ्लो आप देखेंगे ना दूसरी मार्केट्स में नजर भी आ रहा है, तो मुझे लग रहा है सूनर और लेटर जो है ना आपके पास या तो आउटफ्लो रुक जाएगा या तो थोड़ा बहुत इन्फ्लो आ जाएगा। अब वैसे भी गोरा उतना ओन नहीं करता जितना वो कभी करता था, किस जमाने में वो फ्री फ्लोट का जो है वो 30-35% ओन करता था, लेकिन अब उसकी ओनरशिप काफी डाइल्यूट हो गई है, काफी नाम यहाँ से चले गए। सेकंडली देखें एक और चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है लोकल लिक्विडिटी जो है ना बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस कंपनीज और हमारे पास भी इंशाल्लाह अगर पैसा आता है तो मुझे लगता है लोकली ड्राइव कर जाएंगे और गोरा अगर थोड़ा भी स्लो हो जाता है जो होना चाहिए, देखें उसूलन मतलब 5 साल से आउटफ्लो हो रहा है तो मुझे लगता है कि हमारे प्रोस्पेक्ट बेहतर है तो गोरे का आउटफ्लो कम होना हो जाना चाहिए लॉजिकली तो। राइट बिल्कुल सही है। अच्छा एक सवाल और जो थोड़ा सा इसी मद में है कि अभी तक जो FBR ने टैक्स कलेक्शन की है तो आपका ख्याल है कि इस साल कलेक्शन टारगेट पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल 122 बिलियन की शॉर्टफॉल
मैंने पढ़ा था कि इनिशियली मैं थोड़ा सा, हमने जब साल शुरू किया था तो हम लोग कंजर्वेटिव थे, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो रहे हैं. देखिए उसकी वजह यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि एफडीआर की कलेक्शन कहाँ से होती है. तो वो जहाँ से कलेक्ट करता है वो सारे सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. बिल्कुल, जैसे बिल्कुल. अगर उसकी हम कलेक्शन देखते हैं तो वो इम्पोर्ट बेस्ड होती है, इम्पोर्ट में ग्रोथ है. प्लस ये है कि लोकल भी मैं अगर देखता हूँ जो कलेक्शन करता है तो इंडस्ट्री से ज्यादा कलेक्ट करता है वो. इंडस्ट्री में आप देखते हैं तो ग्रोथ अच्छी आ रही है. इसी मतलब सारे ड्राइवर वन बाई वन आप देख लें, सीमेंट, शुगर, गाड़ियाँ, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोई भी आप मतलब जहाँ मेजर रेवेन्यू स्पिनर है उसको देखेंगे तो आपको वहाँ ग्रोथ अच्छी नजर आएगी. तो वो मुझे ऐसा लगता है एज वक्त गुजरता है तो लोग रियलाइज करेंगे कि दे विल गेट क्लोज. तो वो जो हम इनिशियली सोच रहे थे ना कि 4.4, 4.5, मुझे लगता है वो नंबर आपको रिवाइज होते हुए नजर आएगा 4.7, 4.8 की तरफ जैसे हम सेकेंड हाफ में जाते हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर्स शुड गेट बेटर क्योंकि जो है सारे रेवेन्यू स्पिनर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है. तो ये जैसे आपका ये बजटेड में देख रहा था कि आप 7.1 फोरकास्ट कर रहे हैं डेफिसिट. नहीं, हम 7.5 कर रहे हैं बट गवर्नमेंट 7.1 कर रही है. अच्छा, लेकिन सॉरी, गवर्नमेंट का 7.1 है. अब हाँ, जैसे हम इनिशियली हमारा ख्याल था कि रेवेन्यू कलेक्शन 4.4 बिलियन, 4.5 बिलियन बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ तक पहुंचेंगे. लेकिन अब हमने रियलाइज किया इससे बेहतर हो सकती है क्योंकि गाड़ियों की सेल से लेके सीमेंट की सेल से लेके जो सारी चीजें हैं ना जिस पे टैक्सेस जमा होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटम बढ़ रहा है, इसी तरह से जो है ना वो तेल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, डीजल, पेट्रोल, वॉल्यूम भी बेहतर लग रहे हैं. तो ये सारी चीजें मैं मिला लेता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर जो है ना वो 200-300 बिलियन जो हम इनिशियली जो एस्टिमेट कर रहे थे उससे ऊपर निकल जाएंगे. तो एक्सटर्नल साइड पर, सॉरी, फिस्कल साइड पे चीजें इनिशियली हमारा ख्याल था 8% से 8.75% तक फिस्कल डेफिसिट जाएगा, अब नहीं लग रहा. अब ऐसा लग रहा है कि 7.5% तक होगा. अब आगे जैसे नंबर आएंगे हम भी अपडेट कर लेंगे अगले 2-3 महीने में, बट मुझे थोड़ा सा आई एम गेटिंग ऑप्टिमिस्टिक कि इस साल इतना खराब नंबर शायद ना हो. और फिर गोइंग फॉरवर्ड अगले साल में तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है टैक्स साइड पे, आपको पता ही है कि इकोनॉमी डोमिनेटेड नहीं. एग्रीड, एग्रीड. अच्छा, एक सवाल और है, ये है कि रशियन डिजिटल अकाउंट का रिमिटेंस पे इम्पैक्ट, तो ये मेरे ख्याल है $200 मिलियन तो लास्ट रिपोर्टेड फिगर था कि इस में आ चुका है. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए ये रेमिटेंसेस तो नहीं होंगी, ये देखें ये तो लोगों का बाहर का पैसा है जो आपके पास आ रहा है, वो इन्वेस्ट करेंगे आपके पास तो आपके पोर्टफोलियो में नजर आ जाएगा और क्या करते हैं उसके ऊपर है उस पैसे के साथ. लेकिन ये क्लासिफाई तो रेमिटेंसेस में तो नहीं, मेरा ख्याल है करंट ट्रांसफर्स में कहीं होना चाहिए. रेमिटेंसेस तो फिर वर्कर आपको जो भेजता है या लोगों को वो आएगी तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी मतलब सॉर्ट ऑफ होगी. इसमें से पैसे जो है वो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट रिपेट्रिएबल हो. सही, ठीक है. अच्छा, एक सवाल आया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन शरिया मनी मार्केट. देखें इसमें थोड़ा सा ये है कि इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली थोड़ी सी आपको आगे मिलेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हमें थोड़े से बेहतर लग रहे हैं. लेट्स से कि हम अज्यूम करते हैं कि 100-150 बिप्स जो है वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं 150 बिप्स लेट्स से, तो आपको डेफिनेटली उतनी इम्प्रूवमेंट तो नजर आएगी. तो समवेयर मुझे लगता है कि 7% से 8% कहीं हम रेंज बांध लें, इतना रिटर्न हो सकता है. ओके. अच्छा, ये एक थोड़ा सा टाइपो एरर है. ये बेसिकली जो सेंटर में फंड्स लिखे गए हैं ये मनी इनकम फंड्स हैं और जनरली 6 मंथ्स से अबव 10 ओवर के लिए हम रिकमेंड करते हैं. सो वैसे अगर बात करें कि एसेट क्लास में इस साल 2021 में हमारी इन्वेस्टमेंट टीम की जो प्रेफरेंस है वो इक्विटी की तरफ टिल्ट ज्यादा होगा क्योंकि वहाँ अर्निंग यील्ड जो है 15%. देखिए दो चीजें हैं, अगर आपने फिक्स इनकम की तरफ करना है तो अभी आपको शॉर्ट टर्म पे रहना चाहिए, शॉर्ट एंड पे रहना चाहिए यील्ड कर्व के. तो उसके लिए हमारा लिक्विडिटी प्लस फंड और अलमीन कैश फंड है, ये बेचना चाहिए. मतलब मैं समझता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की तरफ थोड़ा सा 150-200 बिप्स अगर बढ़ते हैं तो हमें इस वक्त लंबे फंड्स में नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड में नहीं जाना चाहिए. तो जितनी छोटी मेच्योरिटी रखें उतना अच्छा है फिक्स इनकम साइड पे. और बाकी इक्विटी साइड पे हमारा व्यू यही है जो इसने भी रिट्रेट किया है वसीम ने भी, कि हमें लगता है रिटर्न बेहतर बन सकता है. सो बेसिकली मैं वही रिपीट करूंगा कि इन्वेस्टर की जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कितनी रिस्क टॉलरेंस है आपको पता ही है. जी, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से तो उसके साथ मैच करते हुए
ये हमारी थीम है, बट लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए हमारा व्यू ये है कि एक्विटी शुड बी द प्रेफर्ड एसेट क्लास। और हिस्ट्री भी यही अभी कहती है। जी जी हिस्ट्री भी यही कहती है। तो हम इस दफ़ा तो हमने एक साल की परफॉर्मेंसेज इसमें दिखाई है, बट हम सून इंशाल्लाह एक वेबिनार और करेंगे जिसमें हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करेंगे और 10 ईयर्स परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे ऑफ आर इक्विटी फंड्स विद पीयर्स एंड बिल्कुल बिल्कुल अदर्स। जी जी हाँ, उस पे पूरे साइकिल भी आ जाते हैं, आप सही कह रहे हैं, वो जी भी जी 10-20 ईयर भी आप दिखाएं तो उसमें अच्छा है। बूम एंड बस्ट साइकिल सारे कवर हाँ हो बिल्कुल जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ठीक ही। है। तो और उसमें उसमें हर एक उसमें हर एक और चीज भी हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जी बिल्कुल इसमें जो है ना निकलना नहीं चाहिए। जैसे अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कोई भी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोग करते ये हैं कि निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं, तो वो एक्चुअली परफॉर्मेंस ऐसी होती है कुछ दिनों में बहुत सारी परफॉर्मेंस आ जाती है। तो जी वो जी एक्विटी फंड में ये होता है कि कोई इन्वेस्टेड है तो वो, मेरा ये ख्याल है, उसको टाइम नहीं करें, उसमें बैठे रहें जी जब तक व्यू है आपका। क्योंकि एक एक जो बैंड वैगन इफेक्ट होता है ना, वो हमने पूरी दुनिया में देखा है कि जब मार्केट्स इक्विटी मार्केट बढ़ रही होती हैं तो जब तकरीबन पीक के करीब पहुंच जाती है ना, तो तब लोगों को ख्याल आता है कि यार हमसे रैली मिस हो गई, और वो बिल्कुल गलत टाइम पे एंटर हो जाते हैं, और बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह अक्सर ऐसे होते हैं। गलत टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं जब मार्केट्स बॉटम आउट हो जाती हैं, और वो हाँ फियर फियर एंड ग्रीड वाले दोनों हाँ फैक्टर आ जाते हैं और वो गलत टाइम पे फिर एग्जिट कर जाते हैं। आरएल, आपने लास्ट टाइम एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उसे फुली एग्री करता हूँ कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालें तो उसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल फायदा भी होता है। जब मार्केट नीचे होती है तो ज्यादा यूनिट आ जाते हैं, ऊपर आते हैं तो खुद ही आपकी एवरेजिंग हो जाती है, 3 साल बाद आप देखते हैं तो बिल्कुल बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। तो वो और बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसके लिए एक बड़ा अच्छा हमारे पास प्लान है, उसके लिए भी एक सेपरेट हम वेबिनार करेंगे। हमारे पास एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप ये हर महीने इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड एक इक्विटी बिल्डर के नाम से है और एक वेल्थ बिल्डर के नाम से है। तो एक प्लान ऐसा है कि जिसमें आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक एक इनकम फंड में, और वहाँ आप फ्रीक्वेंसी बता देते हैं कि हर महीने या हर क्वार्टर पे इतने पैसे या इतनी परसेंटेज जो है वो एक्विटी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते जाएं। तो एक पूरा ऑटोमेटेड प्लान बना हुआ है। सो हम एक सेपरेट बिल्कुल सेशन रखेंगे ताकि इन्वेस्टर्स को उस पर एजुकेट कर सकें इंशाल्लाह। चलिए ठीक है जी, थैंक चले ठीक है जी। यू। थैंक यू वेरी मच सलेमान, थैंक यू व्यूअर्स, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।